तो दोस्तों आज हम लाए हैं बहुत ही स्वादिष्ट शकरकंदी की रेसिपी। तो देखिए ये उबली हुई शकरकंदी है, तो आज हम इसी से एक रेसिपी बनाने वाले हैं जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी, साथ में हमें पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही नहीं बहुत ही अच्छे होंगे। तो देर न करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये दो शकरकंदी ली हुई है, ये उबली हुई है, इसे हमारे यहाँ शकरकंदी बोलते हैं, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो इसको हम छील लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें छीलना है, लेकिन दोस्तों आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बातों ही बातों में देखिए मैंने इसको छील लिया और अब हम एक कद्दू कस लेते हैं। इससे इसको कुछ इस तरीके से कस लेते हैं, इससे क्या होगा इसमें जो रेशे होते हैं वो इसमें नहीं मिक्स होंगे और जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो देखिए मैंने इसको कद्दू कस कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो एक बर्तन लेते हैं हम, बड़ा सा, थोड़ा बड़ा बर्तन लें और इसमें इसको डाल देते हैं। तो अब इसमें हम चीनी डालेंगे, तो मैंने पिसी हुई चीनी ली हुई है। आप कितना मीठा पसंद करते हो उस हिसाब से डाल सकते हो, या शकरकंदी कितनी मीठी है उस हिसाब से इसमें डाल सकते हो। तो इसमें हम डाल देते हैं सौंफ एक चम्मच जितनी, और मैंने चीनी में ही हरी इलायची को पीस लिया था जिससे कि उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। और अब हम क्या करते हैं कि इसमें डाल देते हैं हम कोकोनट पाउडर, तो मैंने एक चार चम्मच जितना डाला हुआ है, आप देख सकते हो चार चम्मच जितना डाला हुआ एक छोटी सी कटोरी में है, तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। मैंने तुरंत कद्दूकस किया हुआ है और अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बढ़िया से इसको मिक्स करना है जिससे कि लम्स बिल्कुल ना रहें और बढ़िया सा ये डो जैसा तैयार हो जाए। तो देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब हम क्या करते हैं एक कटोरी जितना इसमें गेहूं का आटा डाल देते हैं। आप क्वांटिटी अपने ज़रूरत के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो, यदि ज़्यादा डालें तो आटा तो उसमें थोड़ी सी शकरकंदी ज़्यादा डालें। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो पानी का मेजरमेंट भी बताएंगे कि इसमें कितना पानी लगेगा। तो देखिए एक कटोरी मैंने पानी ले लिया और इसको कुछ इस तरीके से फेंट लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी इसको फेंट सकते हो। बढ़िया से इसको मिक्स करते हैं। तो जब भी आप यदि पिसी चीनी डालोगे तो बाद में थोड़ा सा गीला नहीं होता है और परफेक्ट डो इसका तैयार होता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला और अब मैंने एक कटोरी पानी और लिया। तो देखिए इसमें थोड़ा सा पानी फिर मैंने डाल दिया। तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये पतला हो जाएगा बैटर और जो चीज़ बनाने वाले हैं वो स्वादिष्ट नहीं बनेगी और अच्छे से नहीं बनेगी। बढ़िया से इसको हमें 2 से 3 मिनट बराबर फेंटना है जिससे कि ये फ्लॉपी हो जाएगा। हमें इसमें सोडा डालने की या कुछ भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इसी तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने कितना संभल करके थोड़ा थोड़ा पानी डाला है, क्योंकि ज़्यादा यदि पानी पड़ गया तो इसमें आटा और मिलाना पड़ेगा, फिर इतना बढ़िया ये स्वादिष्ट रेसिपी नहीं बनेगी। तो देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटा है, ये अच्छे से फिट गया है। तो इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके रख देते हैं, हम बाद में मिलेंगे। आप देख सकते हो कि 1.5 कटोरी इसमें पानी लगा है, तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं और इसको हम थोड़ा सा और इस तरीके से फेंट लेते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रेडिशनल रेसिपी है और गांव में ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी, क्योंकि शकरकंदी बहुत अधिक मात्रा में होती थी तो कुछ ना कुछ बनाने का मन करता था, तो इस तरीके की रेसिपी ये बनाई जाती थी। अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया। आप देख सकते हो कि मैंने इसको कितनी देर फेंटा और कितना कलर चेंज हो गया, व्हाइटपन ज़्यादा आ गया इसमें और अब इसमें लम्स भी नहीं है और बढ़िया से ये फेंट करके तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको एक साइड रखते हैं, चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो मैंने रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है, आप जो भी ऑयल खाना पसंद करते हो उसमें बना सकते हो। अब हम गैस ऑन करते हैं, कढ़ाई रखते हैं, इसमें हम डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए तब इसमें हम बनाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा हाथों में पानी लगा लेते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं। तो जैसे ये ऊपर उठ करके आ जाएगा तो समझ लीजिए कि ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम अब हम मीडियम कर देंगे, क्योंकि यदि हम मीडियम नहीं करेंगे तो ये ऊपर ऊपर से जल जाएंगे और अंदर ये कच्चे रहेंगे। इसलिए कुछ इस तरीके से आप बड़े छोटे अपने हिसाब से गुलगुले बना सकते हो। मैंने थोड़े से बड़े बड़े बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो कि ये मैंने पूरी
कढ़ाई में इनको कुछ इस तरीके से डाल दिया। और अब हम क्या करेंगे कि इनको पकने देते हैं, इनको अभी हमें टच नहीं करना है, जब तक ये ऊपर कच्चा कच्चा सा दिखाई पड़ रहा है, पूरी तरीके से ना पक जाए तब तक हमें इनको टच नहीं करना है। तो बस इसी तरीके से इनको देखिए पकाना है। तो ये देखिए आप देख सकते हो कि ये कितना फूलने लगे हैं, ये ऊपर आने लगे हैं, इसका मतलब ये बहुत बढ़िया जो बैटर था वो बन करके तैयार हुआ था। तो बढ़िया से हमें इनको पकाना है। आप देख सकते हो कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है, अब ये थोड़ा सा तली में लगे जैसे लग रहे हैं, क्योंकि इसमें शकरकंदी पड़ी हुई है। यदि शकरकंदी ना डालते, प्लेन हम गुलगुले बनाते तो वो बढ़िया से ऊपर आ जाते, लेकिन शकरकंदी की वजह से ये बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट की वजह से ये थोड़ा सा चिपक सा रहे हैं। तो इनको कुछ इस तरीके से धीरे से इधर उधर कर देते हैं, क्योंकि हमें एक साइड पूरी तरीके से पका लेना है। तो आप देख सकते हो कि एक साइड ये पूरी तरीके से पक गए हैं। तो अब इनको हम पलट देते हैं। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है, हाई बिल्कुल ना रखें। हाई रखोगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर कच्चे रहेंगे। अच्छे से इनको देखिए मैंने उलट पलट दिया, और अब हम दूसरी तरफ भी इनको थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से सिकने देते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने मीडियम ही गैस का फ्लेम रखा हुआ है। थोड़ा समय लगता है इनको फ्राई करने में, क्योंकि यदि आप कच्चे इनको फ्राई कर लोगे, झटपट फ्राई करोगे, तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे। इसलिए थोड़ी देर इनको आराम से पड़े रहने देना है कढ़ाई में और फ्राई करना है। इससे ये खाने में बहुत स्वादिष्ट बनेंगे और साथ में हमें नुकसान भी नहीं करेंगे। तो देखिए फिर मैंने इनको उलट पलट दिया। इनको पकने में 3 से 4 मिनट समय लग जाता है एक बैच में। तो बस इसी तरीके से हमें इनको अच्छे से फ्राई कर लेना। दोस्तों बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। शकट में ज़्यादातर शकरकंद मंगाई जाती है और खाई जाती है। यदि आपके पास भी अभी पड़ी हुई हो तो उसको उपयोग में लाएँ और कुछ इस तरीके से गुलगुले बना करके खाएँ, सबको बहुत पसंद आएंगे और साथ में बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। आप देख सकते हो कि मैंने उलट पलट करके इनको कुछ इस तरीके से पका लिया है और बढ़िया से ये फ्राई हो गए, बढ़िया से पक गए हैं। तो आप इस तरीके से इनको बना सकते हो। अब हम क्या करते हैं कि इनको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, जिससे कि मैंने स्ट्रेनर में कुछ इस तरीके से निकाल लिया है, जिससे कि इसमें जो ऑयल हो वो सब पूरा नीचे आ जाए। तो देख सकते हो कि कितने ये बढ़िया बने हैं, यम्मी बने हैं और बच्चों को तो बहुत पसंद आएंगे यदि वो मीठा खाना पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से जो बचे हुए हैं उनको भी हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि बढ़िया सा कलर आ गया है और ये बढ़िया से गुलगुले हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि दूसरा बैच भी इसी तरीके से बना लेते हैं और वो आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं। मैंने दूसरा बैच डाल करके इसलिए दिखाया कि आपसे कोई गलती ना हो और आपके भी गुलगुले इसी तरीके से बने। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इनको भी इसमें डाल दिया। ये पुरानी पारंपरिक रेसिपी है और पुराने जिस समय से बनती चली आ रही है, लेकिन आजकल भागम भाग की ज़िंदगी में लोग ये सब नहीं बनाते हैं और ना खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये सब हेल्दी चीज़ें हैं और शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं। तो आप देख सकते हो कि एक साइड ये भी अच्छे से पक गए हैं, तो इनको भी हम उलट पलट करके पका लेते हैं। तो बढ़िया से ये फ्राई हो गए हैं। इनको थोड़ा सा फ्राई करने में समय लगता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और जब भी इनको फ्राई करें तो थोड़ा गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। जब ये आप डालें कढ़ाई में तो थोड़ा सा हाई रखें, लेकिन जैसे ही आप डाल देते हो कढ़ाई में इनको, तो इसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम में ही इनको पकाएं, तभी ये बढ़िया बनते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और 7 दिन तक आप इनको रख करके खा सकते हो, ये ख़राब नहीं होंगे यदि आप इस तरीके से बनाओगे। उलट पलट करके इनको भी मैंने देखिए पका दिया। तो मैंने बढ़िया सी हमारी रेसिपी बन करके तैयार हो गई है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये गुलगुले की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चों की सालगिरह वगैरह होती है या कोई शुभ काम होता है तो ये ज़रूर बनाए जाते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि इनको हम दिखाएँगे कि ये किस तरीके से बने हुए हैं। तो देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने मुलायम बने हैं, और अभी ये गर्म है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसमें अच्छी सी अंदर से जो स्पंजी है वो दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों यदि ये हमारी गुलगुले
की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।